वीडियो टिप्स में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ दो तरह की चीज़ें शेयर कर रही हूँ, जो कि है एक फेस स्क्रब एंड फेस पैक, जो कि आपकी स्किन को ब्राइटन, लाइटन एंड ग्लोइंग स्किन बनाए। जी हाँ, तो आप सभी लोगों ने मेरी पहले वाली वीडियो क्रीम की तो देखी होगी ना, नहीं देखी है तो यहाँ पे आई बटन में लिंक देती हूँ, जाइए और देखिए। उस क्रीम का जो भी बच गया था हमने उससे ही बनाया, तो आप पहले वो क्रीम को देखकर आओ, उसके बाद इस वीडियो को देखो। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, क्योंकि हर कोई लगा सकता है, टीनेजर गर्ल्स, वुमेंस, बच्चे, बड़े, हर कोई यूज़ कर सकता है, क्योंकि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ब्राइडल्स भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह से खूबसूरती से ये सजा दिया है कि इसी ब्राइडल के लिए सजाया जैसा, तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत सा बन गया है। तो आप इसका स्क्रब देख सकते हैं, गुलखन टाइप जो गुलाब का होता है ना, रोज़ का, वैसा बन गया है। तो इतनी ज़बरदस्त, ये खुद देखने में इतना खूबसूरत है, लगाने में कितना होगा, जितना अच्छा आप इसको एक्सपेक्ट करेंगे उससे भी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मुझे एक माइंड ब्लोइंग रिजल्ट मिलाएगा इस रेमेडी से। फेस पैक आपके फेस पे वाइटनिंग लाता है, ग्लो लाता है, और आपको इस फेस पैक से इंस्टेंट ग्लो मिलता है, इंस्टेंट फेयरनेस मिलती है। अगर आप इस पैक को रेगुलरली लगाना स्टार्ट कर दे तो आपके चेहरे पे से दाग धब्बे, पिगमेंटेशन को भी ख़त्म कर सकता है। और जो स्क्रब है अंदर से क्लींस करता है ब्लैक हेड, वाइट हेड्स और पॉल्यूशन को निकालता है। रूबी ब्यूटी टिप्स चैनल पे मिलते हैं आपको हेयर केयर, स्किन केयर और बॉडी केयर से रिलेटेड वीडियोस। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें और वीडियो को लास्ट तक देखें, स्किप मत करें। तो चलिए देख लेते हैं इसको बनाना कैसे। तो बनाना बहुत आसान है, तो चलिए इसको बना लेते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए जो रोज़ का हमने जो पेटल्स को ग्राइंड किया था, उसका हम यहाँ पे ले लेंगे। अब मैं इस रोज़ पेटल्स के अंदर डाल दूँगी 1 टीस्पून का राइस फ्लावर। राइस फ्लावर कोरियंस एंड जापानीज बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, ये स्किन पे ग्लो बहुत ज़्यादा लाता है, स्किन को ग्लास स्किन बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। उसके बाद नेक्स्ट मैं इसके अंदर डालूँगी कॉफ़ी पाउडर, 1 टीस्पून का आपको कॉफ़ी पाउडर यहाँ पे डाल लेना है। कॉफ़ी हमारे अंदर के डेड स्किन सेल और पॉल्यूशन को निकालने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी विच इज़ हनी। हनी के अंदर ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती है, स्किन को ग्लास एंड क्लियर बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है ये, और आपके फेस पे पिंपल्स है तो उसको भी ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो अब मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून का डाल लिया। अब ये हम ये सारा जो मिक्स करेंगे, सिर्फ हनी से ही आपको मिक्स करना है, हनी से ही पूरा मिक्स करके स्क्रब बनाना है। तो मैंने पहले 1 टीस्पून का डाल लिया, अब मैं और 1/2 टीस्पून का इसके अंदर डालूंगी। तो मुझे 1.5 टीस्पून का लग गया था इसको अच्छे से मिक्स होने में। तो आपको अच्छे से मिक्स करके एक पेस्ट टाइप बना लेना है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा बनके रेडी हो गया है स्क्रब। कितना खूबसूरत सा लग रहा है, देखने में इतना अच्छा लग रहा है, तो लगाने में तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलिए देख लेते हैं इसका एप्लीकेशन। एप्लीकेशन हम कर लेंगे, तो अच्छे से क्लीन फेस पे आपको इसको अप्लाई करना है। और आप जब भी ये इसको बेडरूम में ठहर के अप्लाई मत करें, बाथरूम में जाके अप्लाई करें, क्योंकि अगर आप बेडरूम में ठहर के करेंगे तो बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट हो सकता है, क्योंकि गिर सकता है, थोड़ा सा रनिंग आउट है, तो इसलिए आप बाथरूम में जाके अप्लाई करना। तो अच्छे से 5 मिनट तक आपको अच्छे से पूरे चेहरे पे स्क्रब करना है, और 2 मिनट के लिए रहने देना है इसको। ओके, सो हमारा यहाँ पे अप्लाई हो गया है, तो अब 2 मिनट के लिए हम यहाँ पे इसको छोड़ देंगे। और आप यहाँ पे देख सकते हैं राइस के जो ग्रैनुल्स है वो नज़र आ रहे हैं। तो बहुत ही दबा के, बहुत ही ताकत से मसाज नहीं करना है, बहुत ही आराम से फेशियल स्टेप लेते हुए आराम आराम से मसाज करना है। ओके, तो यहाँ पे 2 मिनट कम्प्लीट हो चुके हैं हमारे, तो अब मैं वॉश करके आती हूँ। तो वॉश कर लिया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, क्लीन एंड क्लियर एंड ग्लोइंग हैंड मेरा हो गया है। तो आपको यहाँ पे इतना, मैं सही में गई, जितना आपको कैमरे में नज़र नहीं आता, इतना रियल में मुझे ऐसा लगता है, कैमरे में आपको उतना डिफरेंस पता नहीं चलता जितना आपको अगर आप असल में रियल में देखोगे तो पता चलेगा। सो अब हमारा फर्स्ट स्टेप तो हो गया, अब सेकंड स्टेप पे चलते हैं। तो ये मिल्क तो आपको याद ही होगा, तो हम यहाँ पे ये मिल्क ले लेंगे, रोज़ मिल्क ले लेना है आप सभी को भी। इसके अंदर मैं ऐड कर लूँगी काओलिन क्ले, यानी चाइना की मिट्टी होती है ये, तो अगर आप इसका सब्सटीट्यूट चाहते हैं तो आप इसका सब्सटीट्यूट मुल्तानी मिट्टी ले सकते हैं, लेकिन अगर हो तो ज़रूर से ज़रूर यूज़ करें, अगर नहीं है तो मंगा के भी यूज़ करें, क्योंकि ये स्किन पर बहुत ही अच्छी ब्राइटनिंग लाता है। उसके बाद मैं नेक्स्ट यहाँ पर ले रही हूँ ओट मिल का पाउडर, आपको ले लेना है यहाँ पर, बहुत ही ईजी है, अगर आपके ओट्स है उसको पीस के पाउडर बना लो, बहुत आसान है। तो 1 टीस्पून का मैंने ओट्स मिल का पाउडर ले लिया, काओलिन क्ले मैंने 1.5 टीस्पून का ले लिया। अब हम इसको धीरे धीरे, यानी स्लोली स्लोली अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और आपको यही, अगर ये मिल्क में कम पड़ा तो आप इसके अंदर थोड़ा सा रोज़ वाटर ऐड कर लेना, तो मुझे तो कम पड़ गया था, फिर मैंने रोज़ वाटर ऐड कर लिया था, तो रोज़ वाटर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा लिक्विड हो गया था। तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा और ओट मिल्क का पाउडर ऐड करके एक अच्छी सी क्रीमी कंसिस्टेंसी आपको इस टाइप की बनानी है।
देख सकते हैं हमारा फेस पैक बनके रेडी हो गया है। अच्छी सी क्रीमी कंसिस्टेंसी इसकी आ गई है और आपको ऐसी क्रीमी कंसिस्टेंसी बनाए मार्केट की टक्कर में ये मतलब बहुत ही आजकल निकल गए ना मार्केट में फेस के हेयर के। और ये दिखने में भी खूबसूरत है और लगाने में मज़ा आएगा और आप वॉश करेंगे तो कहेंगे कि ओ माय गॉड ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया। सो अब हम इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं। तो अप्लाई कर लेना है आप अच्छे से पूरे चेहरे पे, नेक पे लगाए, हैंड्स पे भी आप लगा सकते हैं। तो सिर्फ आपको इसको 15 to 20 minutes आपको रखना है, बस इतना ही रखना है। और अच्छी सी मोटी लेयर लगाना है, पतली लेयर बिल्कुल भी नहीं लगाना। तो देख सकते हैं हमारा यहाँ पे अप्लाई हो गया है। तो अब हम इसको छोड़ देंगे तकरीबन 15 to 20 minutes के लिए। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप ये लगाने के बाद कुछ बोले ना कुछ करें ना, क्योंकि आपको इस तरह के जो मेरे हैंड्स पे क्रैक दिख रहे हैं उस तरह के क्रैक आ सकते हैं। तो आप इस पैक को लगा के सिर्फ खामोश बैठेंगे, क्योंकि अगर आप फेस पे इस तरह क्रैक आ गए तो आपको उससे रिंकल की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप इसको लगा के सिर्फ खामोश बैठे, कुछ बोले मत। तो देखा गाइस, तो अब मैं इसको वॉश कर लेती हूँ इस पैक को। तो वॉश कर लिया है मैंने और ग्लो आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं और ये इंस्टेंट ग्लो देता है। बहुत ही ज़बरदस्त पैक है। फ्रेश ही बनाना है, फ्रेश प्रिपेयर करके आपको लगाना है। और अगर आप रेगुलरली करते हैं तो डार्क स्पॉट और पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम को भी हटा सकता है ये पैक। बात हम कर लेंगे आफ्टर की हमारी स्किन केयर। तो हमारे जो गुलाबन से हमने जो क्रीम बनाई थी वही क्रीम हम अप्लाई करने वाले हैं। तो इतना ज़बरदस्त हो गया ना गाइस, एक सिर्फ आप क्रीम बनाओ उससे आपको तीन चीज़ें का फ़ायदा हो रहा है। एक पैक मिल रहा है आपको, स्क्रब मिल रहा है, साथ में एक ज़बरदस्ती क्रीम। तो एक क्रीम से तीन निशाने हो गए यहाँ। तो अच्छे से आपको अप्लाई करके मसाज करना है। ये तो एक नेचुरल मॉइस्चराइज़र करती है आपकी स्किन को। डेली आपको इस क्रीम को यूज़ करना है एंड 1 month तक आप यूज़ करें, उसके बाद आप क्रीम बदल सकते हैं। जस्ट लाइक ये क्रीम आपने 1 month तक यूज़ की, उसके बाद डार्क स्पॉट वाली यूज़ कर लेना। मेरे क्रीम में मेरे चैनल पे और एक क्रीम भी मौजूद है, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। दोनों हैंड्स में डिफरेंस देख सकते हैं ग्लो कितना आ रहा है। तो ये हमारे दो तरह के फेस पैक बनके रेडी हो गए। आपको इसको बनाना है, लगाना है और फीडबैक ज़रूर शेयर करना है। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ऐसे ही ईजी एंड सिंपल रेमेडीज़ के लिए। और बाजू का बेल आइकन दबा दें और आपके फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। और आपको रिजल्ट मिला तो कमेंट में लाजमी आप कमेंट करके बताएं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।